अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये अचानक हमारे हाथ में जलन क्यों होने लगी? ये क्या हो रहा है? आ, आ, आ। अरे क्या हुआ? क्या लगा दिया आपने मेरे फेस पर? गौरव जी आप ठीक है? मुझे इतनी जलन क्यों हो रही है? असली हल्दी तो अब जाकर लगी है। हाँ हमने कुछ नहीं, हमें नहीं पता है कि उसमें क्या था। माँ हमारा भी हाथ पांव जल रहा है, पानी ले आओ जल्दी। हाँ। गौरव जी भाभी क्या मिला है आपने हमारे हल्दी में? क्यों हमारी हल्दी खराब करना चाहती हैं आप? रूबी तुम भाभी से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? और वो क्यों तुम्हारी हल्दी खराब करेंगी? उनका उनका खुद का हाथ जल रहा है। भाभी आप हाथ धो लीजिए। रूबी हमें नहीं पता ये सब कैसे हुआ, हमें नहीं समझ में आ रहा, हमने कुछ नहीं किया। रूबी हम एक मिनट में आते हैं। गौरव जी आप ये लेप लगाइए, इससे जलन तुरंत चली जाएगी। अब ये क्या लाई हैं आप? रूबी ये एलोवेरा चंदन और गुलाब जल का लेप है, इससे ना जलन तुरंत गायब हो जाती है और स्किन पर दाग भी नहीं पड़ता है। हाँ बेटा लगा लो, इससे ठीक हो जाएगा, आराम मिल जाएगा। गौरव ठीक हो तुम? बेटा गौरव जी हमें माफ कर दीजिए, हमें सच में नहीं पता था। सॉरी मैं आपको माफ नहीं कर सकता। उसके लिए आपको मेरे साथ डांस करना पड़ेगा। फिर से बच गई, पर कब तक बचोगी सुषमा के डंक से? नहीं केतकी, मैं तुम्हें इस धोखेबाज पे विश्वास नहीं करने दूंगी। केतकी ये तो क्या कर रही है? तेरी अपनी कोई इज्जत है कि नहीं? तुझे अभी मैंने वरदान का इतना बड़ा सच बताया कि वो तुझे धोखा दे रहा है, उसका किसी और के साथ रिश्ते और तू उसके साथ खुशी खुशी डांस कर रही है। नन्ना देखिए आप हमारे ननद के ससुराल से हैं, इसलिए हम इतनी सारी बातें सुनकर भी चुप हैं, वरना आपने कोई छोटी बात नहीं कही है। केतकी ये तू मुझसे कैसे बात कर रही है? आपने हमारे पति पर बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है केतकी, लेकिन सच में देखिए नन्ना हमें अपने पति पर पूरा विश्वास है। हमारा विश्वास इतना कमजोर नहीं कि कोई भी आकर कुछ बोलेगा और हम उस पर विश्वास करेंगे। तू ऐसे नहीं मानेगी, रुक अभी तुझे सबूत दिखाती हूँ, अपनी आंखों से देख तेरे पति का धोखा। अभी तुझे वो चेक दिखाती हूँ जो वरदान ने दिया था आकाश को, उस औरत को घर के किराए के लिए। यही तो रखा था केतकी, ट्रस्ट मी मैंने खुद अपने हाथों से पर्स में चेक रखा था जिसमें वरदान के साइन थे। तुम करना क्या चाहती हो? मैं आपको दोस्त बोलती हो और अपने ही दोस्त की गृहस्थी में आग लगाना चाहती हो? नैना देखो हमें नहीं पता कि अमेरिका में कैसे रिश्ते निभाए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ रिश्तों की नींव भरोसा होती है और हम वरदान जी पर आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं।
आकाश तुम बताओ ना, रेंट वाले चेक पर वरदान के साइन थे। हमें किसी से कुछ नहीं सुनना है। आकाश नैना से कह दो कि अगर इसे इस फंक्शन में मजा नहीं आ रहा है तो ये जा सकती है। इसके मनोरंजन के लिए हम अपनी शादीशुदा जिंदगी का मजाक नहीं बना सकते। पुराने दोस्तों से रिश्ता जोड़कर हम अपने घर को नहीं तोड़ सकते। इसीलिए भगवान के लिए ये बात और ये दोस्ती यहीं खत्म कर दो। केत के लिए अभी चलो यहां से। आंखों पर काली पट्टी बांधकर तुम दिन को रात समझ रही हो केतकी। एक दिन तो बहुत पछताओगी केतकी। ठीक है, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, तुम्हें आकाश पर भरोसा नहीं है, लेकिन तुम्हें खुद पर तो भरोसा है ना। तो खुद पर एक मेहरबानी करो और जाकर खुद अपनी आंखों से चेक करो। बेनीगंज गली नंबर 12 मकान नंबर 5 तुम्हें पता चल जाएगा। चेक करो केतकी। चलो है ना, बस चेक करो। चलो वो ये चेक देखेगी ना नैना, तब उसे तुम्हारी बात पे विश्वास होगा। चलो। क्या कर रहे हो भैया, साड़ी खराब कर दिया आपने। वरदान जी, ये वाला नाइट सूट निकाल दें, इसमें आपको गर्मी भी नहीं लगेगी। माँ की चाहिए थी तो तुम वैसे ही थी, तो मुझे उनकी नजरों में गिराने की क्या जरूरत थी। अगर मुझ पर भरोसा नहीं है तो मुझे बता दो, कल से जहां जाऊंगा जिससे मिलूंगा सारी बात की रिपोर्ट दे दूंगा तुम्हें। और अगर फिर भी भरोसा नहीं है तुम्हें तो 24 घंटे गले में बंधी घंटी की तरह साथ रख सकता हूं तुम्हें। नहीं नहीं वरदान जी, ऐसा मत बोलिए, हमें आप पर पूरा भरोसा है। वो तो माँ ने हमको बोलते हुए सुन लिया था। पर बेइज्जती तो मेरी हुई ना, अब बताओ उसमें गलती किसकी। वरदान जी हमारी गलती है, सब हमारी गलती है। तुम्हारी सारी गलतियों की सजा भी भुगत लूंगा मैं, लेकिन मुझ पर शक करके ऐसे मेरे प्यार की इंसल्ट मत करो। नहीं वरदान जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और हम आपसे वादा करते हैं कि हम नैना और आकाश से कभी बात नहीं करेंगे। उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुमसे तुम्हारे दोस्तों को दूर करने का इल्जाम नहीं चाहिए मुझे अपने सर पर। हम मेरी इज्जत नहीं करते, तुम्हारे साथ तो अच्छे से ही रहते हैं। जो आपकी इज्जत नहीं करते हम उनसे बिल्कुल भी नाता नहीं रखेंगे। वो लड़के वाले हैं और बात रूबी के रिश्ते की है, बना के तो रखनी पड़ेगी ना। तो फिर ठीक है, हम उनसे और कोई भी बात नहीं करेंगे, सिर्फ हालचाल पूछने तक ही बात सीमित रखेंगे। और पति का हालचाल? अपनी बहन की हल्दी में मेरा मूड खराब हो गया, इसका क्या। कोई बात नहीं, पति पत्नी में गलत फहमियां तो होती रहती है ना। इस आकाश और
अनोखा बंधन, सोमवार से शनिवार शाम 7 बजे दंगल प्ले ऐप पर।